हेलो, हाँ मुझे ताजमहल खरीदना है। नहीं मिलेगा? अच्छा उसके सामने दूसरा बांध के दे दो मुझे। और वो गाड़ी है ना छोटी सी नंगी सी। नंगी सी? हाँ वही रैम्बोगिनी। 10 चाहिए 10। और कुछ होगा तो बता दूंगा मैं। क्या तुझे हमारे माथे पर सी दिखाई दे रहा है क्या? क्यों भाई, मैं इतना पैसा कमा नहीं सकता क्या? मोहब्बत के सिवा और भी गम है जमाने में। चूत का भोसड़ा बन जाता है इतना पैसा कमाने में। एक बात तो बता, तुझे लॉटरी लगी या तू लॉटरी को लगा? नहीं भाई, एक स्कीम होती है जिसमें आपको सिर्फ 3 लोगों को ऐड करना होता है, फिर वो 3 लोग और 3-3 लोगों को ऐड करते जाएंगे और आप घर बैठे पैसे कमाएंगे। शायद ये बकचोदी मैंने पहले भी कही सुनी है। तूने पैसे कितने भरे इसमें? सिर्फ 10,000। पूरा 10,000 का छुटिया कटा है तेरा। तुझे पता है जिंदगी में मेरा पहला चुटिया तब कटा था जब मैं 29 फरवरी को पैदा हुआ था। oh, no. सिर्फ 4 बार केक काटा है मैंने। दूसरा चुटिया इन चेन मार्केटिंग वाले चुतियों ने काटा था। पहले दिन जब मैं इनके सेमिनार में गया था, शुरू में स्टेज पर एक बंदर जैसी शक्ल वाला लड़का आया और बोला, आप सब मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? कल मैं भी आपके जगह खड़ा था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ इस aochutiyabano.com की वजह से। हाँ बराबर, कल तू यहाँ खड़ा था, आज वहाँ खड़ा है, परसों रास्ते पर भीख मांगता खड़ा ना मिल जाए बस, फिर ये अपनी ही नस्ल के कोई महान महाचूतिये को स्टेज पर बुलाएगा। ये बागड़ बिल्ला स्टेज पर आते ही बोला, गुड मॉर्निंग। दोपहर के 2 बजे तेरे बाप ने गुड मॉर्निंग किया था क्या? बोलता है जब जागो तब सवेरा। ये वही चूतिया होता है जो सुहाग रात में कमरे में घुसते ही बीबी को बोलेगा गुड मॉर्निंग, रात भर बीबी ने गुड भी नहीं दिया इसको, फिर ये अपनी सड़ी हुई लाइफ की मोटिवेशनल बकचोदी झाड़ने लगेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना गरीब था और इस कंपनी में जुड़ते ही 6 महीने में मैंने मर्सिडीज बुक कर ली। हाँ तो बुक करने में क्या जाता है? पिछले 4 सालों से सेमिनार में आकर एक ही मर्सिडीज की फोटो दिखाकर बोलेगा 6 महीने पहले बुक किए। मैंने बाहर जाकर देखा तो रिक्शा वाला खड़ा था, बोला अंदर कोई सांप गया है, पैसा ही नहीं दिया गांडू ने। oh, no. फिर बोला मैंने 15 महीने में बंगलो बुक कर लिया। यहाँ लोग 15 साल गांड घिसने के बाद 1 BHK फ्लैट भी नहीं ले पाते। ये भोसड़ा बोलता है बंगलो ले लिया, जिसे आने में लगते है 15 साल। वाह 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 वाह, सुन तो ले भोसड़ी के, जिसे आने में लगते है 15 साल उसे बोलते है झटके बाल। फिर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, मुझे उठाकर पूछता है, कभी फरारी देखी क्या? मैंने बोला हाँ टीवी पे। देखने के बाद क्या सोचा? मैंने बोला अच्छी है, एकदम टकाटक मॉडल। तूने सिर्फ सोचा कि वो अच्छी है? मैंने सोचा कि 2 दिन में वो मेरे पास होगी। जो चीज तू सोच भी नहीं सकता वो चीज सोचने की हिम्मत करता हूँ मैं। क्या मतलब क्या? अबे सोचने में क्या जाता है, कल मैं सोचूंगा मुझे सनी लियोन के साथ मंगल ग्रह पर डिनर पे जाना है, वो भी बिना ऑक्सीजन। अब बोल, है तेरे में हिम्मत ऐसा सोचने की? कंट्रोल भाई कंट्रोल। फिर 2 घंटे अपनी सड़ेली स्पीच झाड़ने के बाद वो लंड बुद्धि मुद्दे पर आया, ये गाड़ी ये बंगला ये सब आपका हो सकता है, वो भी फ्री में। मैंने सोचा अच्छा है फ्री में कर लेते। फिर बोला बस आपको 10,000 देने पड़ेंगे। अबे चिपकली की झाट, फ्री का मतलब होता है फ्री, फ्री नो मनी। तू बाहर मिल, मैं तुझे फ्री में फटा हुआ कंडोम बेचूंगा और मुझे पता है तू पक्का लेगा, भुक्कड़ गांड। फिर बोला आपको सिर्फ 3 बच्चों को इसमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा और उन 3 बच्चों से कहने का कि और 3-3 बच्चों को ज्वाइन करवा लो और सारा पैसा हमें ला के देना पड़ेगा, इसके बदले में हमें सिर्फ 2700 रुपए मिलेंगे। अब एक बात बता, कौन सा बच्चा स्कूल में जेब में 10,000 रुपए लेकर आता है? और उनके माँ बाप को भी पता होता है कि ये सब चुतियापा है, पैसे तो घंटा देंगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कट गया मेरा 10,000 का चुटिया और साथ में 2-3 हजार का पेट्रोल और 10 महीने भी बर्बाद हो गए। मेरे पास भी 3 लोग आए थे ये स्कीम लेकर, फिर मैंने 3ों का नुन्नू काट डाला। फिर उन 3 लोगों से बोला कि और 3-3 चेन मार्केटिंग करने वाले लोगों का नुन्नू काट डालो। अब तक 56 जमा हुए मेरे पास, 57-58। जो बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने जाते उन्हें चंद पैसों का लालच देकर उनका अमूल्य टाइम बर्बाद कर देते ये लोग। ये चीज कब हमारे न्यू जनरेशन को अंदर से खोखला कर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस वीडियो को देखकर 2 बंदे भी सही रास्ते पर आ जाते तो मुझे नीचे मिलने वाले डिसलाइक से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चेन मार्केटिंग करने वालों को हम सिर्फ यही बताना चाहेंगे, अगर धोने हो अपने पाप तो काट डालो अपना सांप, लड़कियों के लिए सारे पाप माफ। आई हैव यू।